आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अल्लाह ताला से उम्मीद करते हैं कि आप तमाम लोग अपने घरों में खुश आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूं ही हंसता बसता और आबाद रखे, आमीन। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। आज मैं अपने चैनल पर जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो काले चने का सालन है। आइए देखते हैं कि काले चने का सालन किस तरह तैयार होता है। इसके लिए जो जो अशिया दरकार हैं उन्हें आप नोट फरमा लें। यहाँ पर हमने 2 कप काले चने लिए थे। 6 घंटे पहले हमने इनको भिगोने के लिए भिगो कर छोड़ दिया था और ये अब डबल हो चुके हैं। 2 कप से ये 4 कप हो चुके हैं। यहाँ पर 2 दरमियाने साइज के प्याज आप काट लें या चॉप कर लें। 2 दरमियाने साइज के टमाटर काट लें या चॉप कर लें। 1 खाने का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच भरकर हल्दी पाउडर, 1 खाने का चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 प्याली हम ऑयल ले लेंगे, 1 खाने का चम्मच गरम मसाला पाउडर, 2 खाने के चम्मच कटी हुई सब्ज मिर्च, सौंफ और सूखा साबुत धनिया ग्राइंड कर लें 1 टेबलस्पून, 1 खुश्क धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, सुर्ख मिर्च 1 खाने का चम्मच। आए देखते हैं कि ये सालन किस तरह तैयार होता है। सबसे पहले हम चनों को बर्तन में शिफ्ट करते हैं जी। तो यहाँ पर हमारे पास है 1-2 कप जो थे वो हम लोगों ने काले चने लिए थे, इनको भिगो लिया था और भिगोकर अब ये डबल हो चुके हैं, ये 4 कप के करीब बन चुके हैं। अब इन्हें हम प्रेशर कुकर में शिफ्ट करेंगे। सालन को, करी को तैयार करने से पहले हम चनों को गला लेंगे। यहाँ पर हम 2 दरमियाने साइज के प्याज वो काटकर शामिल कर देंगे। आप काटकर भी शामिल कर सकते हैं, मैंने चॉप कर लिए हैं ताकि बाद में पंची के साथ इसको गलाने की जरूरत पेश ना आए। ये इसके साथ चनों के साथ ही गल जाएंगे। अब यहाँ पर हमने ले लिया है 2 दरमियाने साइज के टमाटर, मैंने चॉप कर लिए थे, ये जाएंगे अंदर। अदरक लहसुन का पेस्ट भरकर 1 खाने का चम्मच, आप वैसे भी डाल सकते हैं साबुत भी। 1 खाने का चम्मच नमक, 1 खाने का चम्मच चाय का चम्मच भरकर हल्दी पाउडर, सुर्ख मिर्च 1 खाने का चम्मच। ये तमाम चीजें डालकर हम अब इसमें इतना पानी डालेंगे कि जो हमारा चने हैं वो इसमें गल जाए जी। हमने पानी इसमें डाल दिया है, अब हम इसका ढक्कन लगाकर इसको 10 मिनट के लिए प्रेशर दे देंगे। 10 मिनट के अंदर हमारे चने बिल्कुल अच्छे से गल जाएंगे जी। तो यहाँ पर हमने प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा दिया है, इसके ऊपर हम वेट लगा देंगे और 10 मिनट के बाद हम इसको खोलकर देखेंगे कि चनों की पोजीशन क्या है। तो फिर आपको मिलते हैं जब चने 10 मिनट के बाद गल जाएंगे, तो आपसे मिलते हैं।
तो यहाँ पर विसल चल रही है, 10 से 15 मिनट हो गए हैं। अब हम चूल्हे को बंद करते हैं और विसल को हटाते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। जी तो यहाँ पर बिल्कुल सारी एयर निकल गई है, अब हम इसको खोल कर देखते हैं। चूल्हे को दोबारा ऑन कर लेंगे। यहाँ पर हम चने को देखते हैं कि चने गल चुके हैं या नहीं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, चने बहुत अच्छे तरीके से गल गए हैं। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर यहाँ हम एक कप के करीब जो है वो ऑयल शामिल कर लेंगे। एक खाने का चम्मच गरम मसाला पाउडर ये शामिल कर लेंगे। एक चाय का चम्मच भरकर हमने धनिया पाउडर लिया था, ये भी हम शामिल कर लेंगे। और ये था हमारा, ये एक ट्रिक मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अगर जब हम चने वगैरह खाते हैं तो पेट में जो है वो गैस वगैरह बन जाती है। इसके लिए मैं क्या करती हूँ कि एक खाने का चम्मच सौंफ और जो साबुत खुश्क धनिया होता है वो हम शामिल करेंगे इसमें, और उसको ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करके आप शामिल कर दें जब भुनाई के दौरान, तो इंशाल्लाह पेट में गैस वगैरह नहीं होती। ये अब हम इसमें शामिल कर देते हैं। मसाला जात हम डालकर अब इसकी भुनाई कर लेंगे। जब तक हम बनाई भुनाई करेंगे यह पानी खुश्क हो जाएगा। पानी जब खुश्क हो जाएगा, जो थोड़ा बहुत पानी इसमें मौजूद है, तो मैं फिर आपसे पानी खुश्क करके दोबारा मिलती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर हमारा जो सालन है वो बिल्कुल तैयार हो गया है। बहुत अच्छे तरीके से इसकी जो है वो भुनाई हो गई है और पानी भी जो था इसका वो खुश्क हो गया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि सब्ज़ मिर्च जो हमने 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें थी वो काटी हुई थी, तो ये अब हम इसमें शामिल कर देंगे। थोड़ी सी गार्निश के लिए रख देंगे और मज़ीद थोड़ी सी भुनाई कर देंगे। जी तो माशाल्लाह यहाँ पर हमारी भुनाई बहुत अच्छी तरह से हो गई है। चनों की भुनाई हमने बहुत अच्छे तरीके से कर ली है। अब हमने यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर ग्रेवी बनानी है। ग्रेवी बनाने से पहले मैं यहाँ पर एक बाउल जो है वो ये जो भुने हुए चने हैं मैं निकालूंगी। मैं हमेशा अपने हस्बैंड के लिए ज़रूर निकालती हूँ। ये निकालने के बाद हम क्या करेंगे कि हमने जितनी भी ग्रेवी बनानी है हम उस हिसाब से इसमें पानी शामिल कर देंगे। मैं यहाँ पर थोड़ी सी ग्रेवी और बनाऊंगी, थोड़ा और इसे लिक्विड कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने मुनासिब पानी शामिल कर दिया है। हम बगैर इसको प्रेशर लगाए इसके ऊपर वैसे ही ढक्कन रख देंगे और 10 मिनट के बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। डिश आउट करेंगे फिर हम आपको दिखाएंगे कि ये किस तरह के तैयार हुए हैं। जी अब हम इसे खोल कर देखते हैं। जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सालन रेडी हुआ है। आप भी देखें बहुत अच्छे से इसकी ग्रेवी भी, हमें जितनी ग्रेवी चाहिए थी उतना इसकी ये तैयार हुई है। अब हम इसे क्या करते हैं कि हम इसको डिश आउट कर लेंगे।
जी फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने अपना जो सालन है वो चनों का सालन हमने डिश आउट कर दिया है। देखिए कितनी खूबसूरत रंगत आई है। जिस तरह इसकी खूबसूरत रंगत है, बिल्कुल इसी तरह इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है और खाने में भी ये बहुत लज्जत भरा सालन तैयार हुआ है। अब हम क्या करेंगे कि थोड़े से धनिए के साथ और जो सब्ज मिर्ची हमने बचाई थी इसके साथ, हम दोनों चीज़ों के साथ हम इसको गार्निश कर देते हैं। सर्व करने से पहले धनिया के साथ, सब्ज मिर्च के साथ गार्निश किया हुआ सालन जो है वो बहुत पुरौनक सा नज़र आता है। हम इसको गार्निश कर रहे हैं। गार्निश करने के बाद हम इसको सर्व करेंगे। चपाती के साथ भी सर्व कर सकते हैं इस सालन को, और चावलों के साथ भी ये सालन बहुत शौक से खाया जाता है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जिस तरीके से मैंने इसको तैयार किया है आप भी बनाएं और फिर मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको इसका जायका कैसा लगा है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। टिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।